रिपोर्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में राजद सुप्रीमो सह पूर्व सीएम लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में मंगलवार को यानी कि कल आंशिक सुनवाई हुई। अब जो अगली सुनवाई है वो 26 मार्च को होगी। अदालत में गवाह आर के दास ने बताया कि पूर्व पशुपालन निदेशक एसपी सिन्हा के आवास से निकलते वक्त जब वो बाहर निकल रहे थे तब लालू प्रसाद के हाथ में रखा पॉलिथिन फट गया और उसके अंदर रखे रुपए जमीन पर गिर गए थे। काफी बड़ी बात उन्होंने बताई। मंगलवार को न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में सीबीआई के वरीय विशेष अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने अभियोजन की ओर आर के दास से उनकी ओर से दिए गए बयान को लेकर के जानकारी ली। श्री दास पटना के पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। बीएमपी सिंह ने बताया कि 80 पेज में आर के दास का बयान जो है वो दर्ज है। जी हाँ, 80 पेजेस में उनका बयान जो है वो दर्ज है। गवाह आर के दास ने अदालत को बताया कि एक बार वो पशुपालन के तत्कालीन निदेशक एसबी सिन्हा, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, के पटना स्थित आवास पर विभागीय कार्य के सिलसिले में मिलने गए थे। वहां उन्हें बताया गया कि कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से एसबी सिन्हा की मीटिंग हो रही है, इसलिए आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, और बाहर बैठ करके वो वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद व विधायक आर के राणा एसबी सिन्हा के कमरे से निकले। लालू प्रसाद के हाथ में एक काला पॉलिथिन था जिसमें रुपए जैसी कुछ चीज थी। अचानक से क्या हुआ, पॉलिथिन फट गया और उसमें रखी नोटों की गड्डी जमीन पर गिर गई। विधायक आर के राणा ने जल्दी जल्दी नोट को समेट करके पॉलिथिन में रखा और वो लोग वहां से चले गए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। निश्चित रूप से पॉलिथीन का जो वेट था वो ज्यादा होगा, उसके अंदर काफी ज्यादा नोट होंगे, जिसके वजह से नोट जो थे वो जमीन पर गिरने लगे। इस पर शिरा करते हुए लालू के वकील ने आरके दास से पूछा कि आपको ये कैसे पता चला कि उस पॉलिथीन में रुपए थे। इस पर आरके दास ने लालू के वकील के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पहले तो उन्हें रुपए होने की आशंका हुई थी, लेकिन जब पॉलिथीन फटने के बाद रुपए बिखर गए तो साबित हो गया कि उस पॉलिथीन में रुपए ही थे। जी हाँ, मंगलवार को यानी कि कल पूर्व आईएएस अधिकारी फाइनेंस कमिश्नर फूलचंद सिंह, एमसी सुवर्ण व बिग जूलियस के विरुद्ध दिए गए विशेष साक्ष्य के संबंध में अदालत को बताया गया। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा मामला जो है वो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा है कि पैसे, इतने पैसे लेकर के वहां से क्यों निकल रहे थे, कहां जा रहे थे, ये तमाम जो चीजें हैं वो सवालों के कटघरे में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामकों को दीजिए इजाजत।